Okay, dear students, today we will see few important topics related to your entrance exam, that is 11th entrance for AMU or Jamia. आज हम बहुत important topic buoyancy देखेंगे. ये topic it is also an important topic. At the same time, it is not a difficult topic. आसान टॉपिक है. इसके ऊपर जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो गिना चुनी के सवाल हैं. अलबत्ता न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इसके ऊपर और काफ़ी एमसीक्यू बन सकते हैं. तो बॉयंसी क्या होता है? इट इज़ ए फिनोमेना. तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज. हम और दो चीज़ें देखेंगे इसके साथ कि बॉयंट फोर्स क्या होता है. ठीक है, बॉयंट फोर्स क्या होता है. ठीक है, और इसके साथ हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे. ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी देखेंगे. ये दोनों चीजें इसी से एसोसिएटेड हैं. इससे पहले आपने डेंसिटी पढ़ रखी होनी चाहिए. आपको मास और वेट का सही डेफिनेशन, सही यूनिट्स और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. मास और वेट दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिर ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान टॉपिक है. तो सबसे पहले हम बॉयंसी की बात करते हैं कि बॉयंसी होती क्या है. ये बेसिकली एक फिनोमेना होता है. बॉयंसी क्या होती है? तो ये मैं यहाँ पर अभी कर देता हूँ. ये क्या होता है? एक फिनोमेना होता है. कौन सा फिनोमेना? वो चीज़ें होती हैं जो कुदरती होती हैं. ठीक है, कुदरती उसूल जो होते हैं बेसिकली उनको फिनोमेना बोलते हैं. तो ये फिनोमेना होता है. किस तरह का फिनोमेना होता है ये? कि अगर फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है, लिक्विड या फ्लूइड, ठीक, क्या है? फ्लूइड. तो मैं फॉर एग्जांपल जो कॉमन हमारा फ्लूइड है भाई वो वाटर रहता है, तो वाटर ही को एग्जांपल लेकर समझाना पसंद करते हैं अक्सर लोग इस टॉपिक को. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या चीज है? फ्लूइड. फ्लूइड कौन सी चीज होती है? जो फ्लो कर सकती है. ठीक, इसमें लिक्विड भी इंक्लूड होते हैं और इसमें गैसेस भी इंक्लूड होती हैं और हाई टेम्परेचर पर मेटल्स इवन सॉलिड्स भी आप कहेंगे कि वो फ्लूइड हो जाते हैं क्योंकि वो फ्लो करने लगते हैं, उनके पार्टिकल्स की दूरी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, तो फ्लूइड मतलब वो चीज़ जो फ्लो कर सके. तो हम डायरेक्ट एक लिक्विड की बात करते हैं. ठीक है, एक लिक्विड की बात करते हैं. तो ये एक लिक्विड है. अगर इसके अंदर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इमर्ज करें या इसके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सॉलिड होना चाहिए वो. ठीक, वो ऑब्जेक्ट सॉलिड, इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए. एक सॉलिड हमने, कोई ऑब्जेक्ट है सॉलिड, उसकी डेंसिटी अलग है फॉर एग्जांपल इस लिक्विड से. अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल अलग है. आप देखेंगे कि तीन बातें हो सकती हैं. या तो ये ऊपर की तरफ तैरेगा या ये जस्ट सरफेस के नीचे तैरेगा, अभी हम वो कंडीशन डिस्कस कर लेंगे, या ये सॉलिड नीचे बिल्कुल सबसे नीचे जाके बैठ जाएगा तह के अंदर. ये तीन ही बातें हो सकती हैं जब हम कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर मिलाते हैं. तो तीन बातें हो सकती हैं. इन तीनों बातों में, इन तीनों बातों को तो हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. इन तीनों बातों से पहले, इन तीनों ही बातों में ये सॉलिड एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है? ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक, इसका अपना एक मास है, उस मास की वजह से इसका अपना एक वेट है और वेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होगा. वेट बेसिकली इट इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन
वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसकी वजह से ये नीचे जाना चाहता है या जिस फोर्स से ये नीचे जाना चाहता है। तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसको एक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स बेसिकली कौन सी फोर्स होती है, ये ही बोयंट फोर्स होती है। तो बोयंट फोर्स कौन लगाता है, बोयंट फोर्स फ्लूइड लगाता है या लिक्विड जिसके अंदर किसी सॉलिड को आप इमर्स कर रहे हैं। ये सॉलिड डूब जाए तो भी लगाएगा और ये सॉलिड तैरता रहे ऊपर तो भी लगाएगा, ये फोर्स हमेशा लगती रहेगी इसके ऊपर। अब इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉइंट फोर्स। तो हर लिक्विड ये फोर्स लगाता है, इस फोर्स लगाने को ही आप क्या बोलते हैं, बॉइंसी बोलते हैं। ये यही एक फिनोमिना है कि हर लिक्विड सॉलिड के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक अप थ्रस्ट लगाता है, ठीक है। एक वो ये नहीं चाहता कि ये नीचे आए, भले ही वो नीचे आ जाए लेकिन चाहता नहीं है लिक्विड के ये नीचे आए। तो ना चाहने को वो किस तरह से इजहार करता है, फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक अप थ्रस्ट। तो बॉयल फोर्स क्या होती है, बेसिकली अप थ्रस्ट होती है। अप थ्रस्ट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होती है जो लिक्विड लगाता है सॉलिड के ऊपर, उसको ऊपर की तरफ ढकेलता है। इसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा काफ़ी, आप स्विमिंग पूल में नहाएंगे तो आप देखेंगे आपका, आप तैरने लगते हैं ऊपर तो पानी नीचे से एक फोर्स लगा रहा होता है, भले ही आदमी अल्लाह ना करे डूब जाए तो भी उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है ऊपर की तरफ। बात समझना या नहीं। तो ये बॉयंट फोर्स होती है। आप लोग इन सब की जो डेफिनेशंस हैं वो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, मैं मेरा काम सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दिस इज नोन एज बॉयंसी। नाउ हम तीन जो चीज़ें हो सकती हैं बॉयंसी के अंदर उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ तैरेगी, कौन सी चीज़ डूबेगी। तो वो कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग कहलाएगी, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ। इसको भी मिटा देता हूं। और ये लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब बता रहा हूं मैं। कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग बोलेंगे, ठीक है, मतलब तैरने की और डूबने की क्या कंडीशन है, कौन सी चीज कब डूबेगी कब तैरेगी, ठीक। तो इसको हम फिगर से बना लेते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन फॉर एग्जांपल ये है, सपोज इट इज लेवल ऑफ लिक्विड और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आया, हमने जैसे ही इसको लगाया तो ये पानी के क्या किसी भी लिक्विड के ऊपर की सरफेस पर रहता है, ठीक। ये कब होता है इसको चेक कर लेंगे अभी। दूसरी कंडीशन क्या है, और दूसरी कंडीशन के लिए भी मैं लिक्विड बना देता हूं। और जैसे ही हमने ये लिक्विड डाला, सॉरी सॉलिड, हमने देखा कि वाटर की सरफेस पे, इसकी ऊपर की सरफेस और वाटर की ऊपर की सरफेस मैच कर गई, सेम लेवल पर आ गई और ये इस तरीके से इतना इमर्स हो गया ये, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। तीसरी कंडीशन में क्या था कि जब हमने ये सॉलिड
इंसर्ट किया क्या नाम है आपके लिक्विड में, तो ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ गया, यानी कि ये डूब गया। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है। इन तीनों ही कंडीशन में यहां कुछ रो ऑफ लिक्विड रही होगी, ये रो ऑफ सॉलिड है। रो मतलब डेंसिटी, यहां पर रो ऑफ लिक्विड, यहां पर रो ऑफ सॉलिड, यहां पर रो ऑफ लिक्विड और रो ऑफ सॉलिड। इन इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पर, रो एस क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब फॉरेन मटेरियल जो हमने बाहर से भेजा, और रो एल क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। ठीक है, ये पहली कंडीशन कब होगी, ये जब होगी जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। ठीक है, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड की डेंसिटी से, लाइक वुड, अगर आप इस वुड को देखेंगे और बिल्कुल गर्मियों का मौसम हो, ये बिल्कुल सूखी हुई हो, तो इसकी डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि ऊपर तैरती है, बात समझ में आई या नहीं, या थोड़ा सा अंदर डूब जाएगी, बहरहाल तो इसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है इसलिए तैरती है। ठीक, तो ये पहली बात हो गई। ऐसी सिचुएशन कब होगी, दूसरी सिचुएशन जब होगी जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन जब आएगी। और ऐसी सिचुएशन कब आएगी, जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी, ये तीसरी कंडीशन है। ठीक, ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक, ये तीनों कंडीशन के कौन सा ऑब्जेक्ट कब डूब जाता है, कब तैरता है, और तैरता है तो पानी की सर लिक्विड की सरफेस के ऊपर तैरता है या नीचे तैरता है, तो ये बेसिकली तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं फ्लोटिंग की, और इनके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज जो है वो आपके पूछे जाते हैं। आपको इसे याद रखना है, इस फिगर को आप देख लीजिए। ओके, नाउ अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, वो बॉयंट फोर्स के बारे में बताता है और कौन सी चीज़ तैरेगी या नहीं तैरेगी, ये भी बेसिकली आर्किमिडीज ने ही निकाला था। ये हमने बाद में इस तरीके से लिख लिया कि डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी सॉलिड की लिक्विड से तो कब तैरेगा कब डूबेगा। ओके, अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे। लिख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक आपका ग्रीक मैथमेटिशियन था, आर्किमिडीज ग्रीक सॉरी इटली साइराक्यूज का एक मैथमेटिशियन था और वो ग्रीस का ही हिस्सा थी, तो हम ग्रीक मैथमेटिशियन इसलिए उसको कहते हैं। और वो जगह अब इटली के अंदर है, साइराक्यूज नाम का एक छोटा सा टापू है वहाँ का था, और ये बिफोर क्राइस्ट का था, यानी क्रिश्चियन एरा शुरू होने से भी पहले का था, तो एंशियंट मैन था, बहुत पुराना। और ये मैथमेटिशियन के साथ साथ जो है वो फिजिसिस्ट भी था, इसने कुछ प्रिंसिपल बताए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है वो ही बताता है हमें कि कौन सी चीज़ डूबेगी या तैरेगी। तो हम फिर से ये फिगर बना लेते हैं, सपोज ये कोई टब है और यहाँ पर एक लिक्विड है और एक ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ये हमने लगाया। ओके, अब ये डूब गया या तैर रहा है अभी उससे बहस नहीं है, बहरहाल ये ऑब्जेक्ट एक अपथ्रस्ट महसूस करता है ऊपर की तरफ। ठीक है,
ये बेसिकली क्या चीज़ है, बॉयंट फोर्स है, और ये क्या बोलेंगे हम, अप थ्रस्ट है, ठीक है। एफ अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ महसूस करता है। ये अप थ्रस्ट होती कितनी है ये हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जरिए पता लगता है। सपोज जब हमने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पोर किया तो ऑब्जेक्ट इतना डूब गया, ठीक। देखिए लेवल वाटर का ये है, वाटर या लिक्विड का लेवल ये है, और ऑब्जेक्ट इतना डूब गया, तो आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट ने इतने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, इतने वाटर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये वाटर कहां गया होगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया होगा, ठीक। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वाटर का वॉल्यूम इतना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस होकर कहां चला गया, नीचे नहीं चला गया, ऊपर चला गया। इस वॉल्यूम के लिक्विड का कुछ वेट होगा, इस वॉल्यूम के लिक्विड जो ये नीचे है जिसके अंदर डुबोया गया उसका कुछ वेट होगा, वेट ऑफ लिक्विड। ये वेट ऑफ लिक्विड बेसिकली क्या चीज है, क्या ये फोर्स है, यस इट इज ए फोर्स। ये वो वेट है लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ, जितना ये डूबा उतनी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ये जो फोर्स होगी ये एग्जैक्टली इस वेट के बराबर होगी। तो बॉइंट फोर्स कितनी लगती है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया हमें, बॉइंट फोर्स कितनी लगती है, उतनी ही लगेगी जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, उतने वॉल्यूम का वेट, किसका वेट, लिक्विड का वेट, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। अगर ये पूरा नीचे डूब जाए, अगर ये पूरा, फॉर एग्जांपल ये एक सिचुएशन आ जाए, ये नीचे डूब गया पूरा, तो भी इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लिक्विड लगाएगा, हालांकि नीचे लिक्विड आपको दिख नहीं रहा है कि नीचे तो कोई लिक्विड है ही नहीं, तो बेसिकली ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं जो इसके आसपास हैं वो इसको ऊपर की तरफ ढकेलना चाहते हैं, हालांकि ढकेल पा नहीं रहे हैं, इसका वेट ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस वक्त जो इसके ऊपर बॉइंट फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी, वो एग्जैक्टली इसके वॉल्यूम के वेट, इसके वॉल्यूम के बराबर, वाटर का वॉल्यूम अगर हम ले लें उसका जो वेट होगा वो फोर्स लग रही होगी। ये किसने बताया हमें, ये आर्किमिडीज ने बताया, ओके। तो दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये लगभग सारे ही टॉपिक ग्रेविटेशन के ख़त्म हो चुके हैं, ओके। इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचते हैं, कुछ कुछ एमसीक्यूज बचते हैं, वो हम देखते हैं।